सो हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी लोग हमारे इस नए ब्लॉग में। तो घड़ी में देख सकते हैं अभी बज रहा है 8:30 और अभी बाहर का जो मौसम है वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पूरा गर्मी टाइप का मौसम है। बहुत ज़्यादा आजकल सुबह में इतना धूप हो जाता है कि आदमी पूरा गर्मी से परेशान हो जाता है और इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कि पूछो ही मत। तो चलो फिलहाल देखते हैं माही कहाँ पर है, किधर है वो। तो इसको देखो, ये यहाँ पे दादी माँ के साथ बैठ के दूध पी रही है ना। तो फिलहाल आज जो है वो हम लोगों को कहीं जाना है और आज माही का बाल कटने वाला है, तो इसलिए सुबह उठ गए हैं सब लोग और ये यहाँ पे दूध पी रही है। दूध का बोतल गर्म है इसलिए इसको देख के इसको पकू पकू हो रहा है। तो ये हाथ में नहीं ले रही है पर पी रही है। तो चलो जल्दी से सब लोग नहावा लेते हैं और तैयार व्यार हो जाते हैं और आप सब लोग बने रहिए आगे देखने के लिए व्लॉग में कि कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल देखो माई माई तैयार हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। माई तुम क्या कर रही हो? बाप रे, स्कर्ट लेके खुद पहनेगी, इसको कोई दूसरा नहीं पहना सकता। ये देखो मंगू माई, माई का आज बाल कटने वाला है। माई दिखाओ जुल्फे। आए हाय, माही की जुल्फे जाएगी कट, क्योंकि माही कहती है हट 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 हट। कुकु माही, किसी तो दो बेटो को, किसी दो। अरे इसको खुद पहनना है भाई। नहीं पहनाने दोगी? ये लो देखो कैसे डर मना रहे। माई ओ जुल्फे वाली लो पहना देते। माई बाप रे, माई को मेरे बहन के तो उसका स्कर्ट देखो कैसे कैसे देख रही है। तो चढ़ा चढ़ करके क्या करवा रही है उसका। जा माही जा, माही माही जा। माही क्या कर रही हो? माही बाप रे, माही झगड़ा कर रही है। अरे उसको खुद पहनना था। चलो पहन लो। माई हो गई रेडी। माई हाय हाय, क्या चाहिए अब? अरे बाप रे बाप, इसका खिलौना सब देखो, टोकरी लेके खिलौना खेलेगी। माई क्या कर रही हो आप? क्रीम लगा लो बेटा, मुंह में क्रीम लगा लो। ये उसको भी रख दे। तो फिलहाल हम लोग घर से अभी निकल चुके हैं और ये माही को देखिए, माही अपने चाचा के गोद में बैठ के रास्ते में झूलते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है। तो फिलहाल गर्मी इतना है कि पूछो ही मत। माही घर में तो पूरा एसी में चिल्ड थी पर जैसे ही गाड़ी तक आते आते पूरा पसीना हो गई थी, तो गाड़ी में फिलहाल एसी चल रहा है और वो ठंडा हो चुकी है। तो फिलहाल देख सकते हो अभी फिलहाल हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ से जो है करीब आधा घंटा और लगने वाला है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग, सब लोग गाड़ी में बैठ के और आराम से सो रहे हैं, चिल्ड हो रहे हैं। देखो माही को, माही अपना खुद दूध पी रही है और आगे पापा हैं और सब लोग आज सोचे थे कि जाएंगे और जाके पूजा वूजा करके आएंगे। तो यार क्या बताएं कि जाम इतना ज़्यादा लग गया था, पता नहीं किस चीज़ का जाम इतना ज़्यादा लगा हुआ था आज कि पूछो ही मत। भाई साहब फंस गए थे उसमें बहुत देर तक। फिर फिलहाल हम लोग वहाँ से निकले हैं और माही देख रहे हो कि तब तक सो गई थी।
तो फिलहाल देख सकते हो कि हम लोग फिलहाल जो है एक जगह पे रुके हुए थे और फिर यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया और लगभग हम लोग पहुँच ही चुके हैं और करीब यहाँ से करीब 5 से करीब 10 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे लगभग। तो फिलहाल बने रहिए। तो भाई साहब देख सकते हो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और गाड़ी से उतर चुके हैं और ये देखो भाभी है और ये देखो माही, माही की मम्मा जिसको उतार रही है, ये उतरने में भी पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। खैर उतर चुकी है, अपना दूध साथ में लेके उतरती है ये। और देख सकते हो पापा यहाँ पे हैं, पापा भी उतर चुके हैं गाड़ी से और कुछ सामान है जो हम लोग को ले कर बस यहाँ से सीधा मंदिर की तरफ जाना है। तो देख सकते फिलहाल मम्मी भी उतर चुकी है, तो चलिए चलते हैं सब लोग मिल के और आज दर्शन करते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं आप लोग हम लोग जो है मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और ये मंदिर का जो है वो एंट्रेंस गेट है जहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और ये आसपास देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें भी इधर है ना, चलो ना पापा जा रहे हैं अभी आगे, देखते हैं फिलहाल अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का नज़ारा क्या है। तो भाई साहब देख सकते हैं आप लोग कि अंदर का जो नज़ारा है वो फिलहाल कुछ ऐसा है और धूप इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा धूप है कि मतलब कोई भी अभी बाहर खड़ा आपको मिलने रहा है। तो फिलहाल देख सकते हो कि माँ ही अपना टेबल पे बैठी हुई है दादी माँ से चिपट के और दादी माँ माई को पकड़ी हुई है और बाहर इतना ज़्यादा तेज़ धूप है, इतना तेज़ धूप है कि भाई साहब नीचे ज़मीन पूरा उबल रहा है, इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि चलने का कोई खाली पैर तो चलने का कोई सोच भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा गर्म है। और भाई मंदिर के अंदर देखो जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग जो हैं वो अंदर जो हैं बहुत भयंकर तरीके से भीड़ लगा हुआ है मंदिर के अंदर। और हमने एक बार सोचा था कि पहले ही जाके पहले दर्शन कर लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था, हमने दर्शन तो कर लिए लेकिन वीडियोज़ कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पर, कैमरा भी गिर सकता था इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर शूटिंग किया। और अरे यार पता नहीं अब ये लोग कहाँ चले गए हैं, ढूंढ रहे हैं मिली नहीं रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे गरम गरम समोसे भी छन रहे हैं। तो चलो फिलहाल पूजा कर दें उसके बाद फिर पूजा होएगा। तो चलते हैं फिलहाल आगे और ये देखो ये माता रानी का मंदिर है और यहाँ पे पापा खड़े हैं और ये रंजीत है और यहाँ पे भाभी है, ये देखो माही को ये दादी माँ के साथ बैठे, ये हजाम मिल नहीं रहा था भाई, माही को भाई साहब ऐसा हजाम है, ऐसा हजाम है भाई मिल नहीं रहा था ये, इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए हैं हम लोग और इसको ढूंढ के लाते हैं और एक जगह रखते हैं भाई आपकी माही खड़ा रहना है। वो आदमी पता नहीं फिर से कभी झोला लेने चला जाता है तो कभी बोलता है भाभी जी बस 5 मिनट में आ रहे हैं और पता नहीं बोल बोल के कहाँ गायब हो जा रहा है, फिर 5 मिनट बाद आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था इसको, लगता है पकड़ के रखना पड़ रहा था भाई, ये इतना भयंकर हजाम था वहाँ का। तो खैर वो आ चुका है और यहाँ पे माही जो है वो बैठ चुकी है और सब लोग इसके बाल को कटवाने में हम भूमिका निभाए जा रहे हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं हजाम ने अपना बाल काटने स्टार्ट कर दिया है, माही बैठी हुई है, माही दूध का बोतल ले रखी है अपना दूध मस्त मुँह में लगा के अपना पी रही है और यह काम अपना काम किए जा रहा है, अब पता नहीं चल रहा है इसको कुछ भी। हेलो हाँ हाँ कॉल गया था, गलती से लग गया, गलती से लग गया होगा। मुड़ी पकड़िए, पकड़िए तो हाँ सर।
तो फिलहाल देख सकते हैं माही का जो है वो बाल एकदम पूरी तरीके से कट चुका है और अभी माही को देखना बचा था, यही माही एकदम पीछे से गोलू गोलू लग रही है। और माही छोड़ दे छोड़ दे, माही बेटू। तो देख सकते हैं माही का बाल जो है वो फिलहाल कट चुका है और माही को देखो, माही फुल अपना जो है अपना बूटल हाथ में लेके पी रही है। वो पूरे टाइम मतलब जब से इसका बाल कटना स्टार्ट हुआ है तो किसी को मतलब नहीं, अपना बूटल पकड़ के और कुछ पिए जा रही है। और आज हम जो है अपना बाल अच्छे से काटे जा रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं चला कि बाल कट रहा है मेरा कि नहीं कट रहा है। और ठीक है जैसा भी हो उसको अच्छे से कट रहा है, मेरा बहुत डर लग रहा है पर क्या नहीं, पर ठीक है हो गया कट। तो फिलहाल अब जो है हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, एक देख सकते हैं पोखर है हम लोग की तरफ और इसको बोलते हैं, और ये मंदिर के पास नहीं है बिल्कुल। माही को क्या करवा रहे हैं मेरे को, पर ठीक है अब बाल कट चुके हैं यहाँ पे नहाने के लिए हम लोग लाए हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं माही को जबरदस्ती से एकदम चलो पानी दो पानी दो पानी झूला भी। तो माही यहाँ पर अपना नहा के मस्त कपड़ा पहन के दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिलहाल माही को नहा चुके हैं हम लोग और उसको नया कपड़ा पहना चुके हैं और अभी फिलहाल जो है हम लोग यहाँ पर प्रसाद खरीद रहे हैं और मम्मी खरीद रही है देख सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल हम लोग माही का जो है बाल वो कटवा चुके हैं, उसका मुंडन हो चुका है और हम लोग मंदिर में दर्शन भी कर चुके हैं और सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बाल बच गई बच गई थी वो जल्द आ गई है और फिर हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं कि हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं और यहाँ पर सब लोग नाश्ता पानी कुछ कर रहे हैं और यहाँ पे माही जो है वो दादी माँ के गोद में बैठी हुई है, वो सोने वाली है और सब लोग सब कुछ अच्छे से हो गया। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए ब्लॉग में।